हेलो, आर वी गोइंग? डोंट नो, सी स्टिल ऑन दिस टाइम। किससे बात कर रही है? फैन से। कितना वक्त लगेगा? कभी कभी 2-3 घंटे या फिर कभी पूरा दिन। ओह नो, जस्ट आस्क हर। नो आई कांट, लेट हर फिनिश। नो सर, व्हाट आर यू डूइंग? हाउ कैन यू से दैट, यू इनसेंसिटिव बास्टर्ड। यू मस्ट बी अ मोरॉन टू इवन सजेस्ट दैट। आई सॉ अ ग्लिम्प्स ऑफ माय फ्यूचर विद यू एंड स्कैरी। यू आर ब्लोइंग दिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन माइरा। जस्ट स्टॉप योर बुलशिट। हु इज शी शाउटिंग एट? फियांसे। आर दे ब्रेकिंग अप? नो आंटी, आर यू ब्रेकिंग अप विद नितिन अंकल? Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the bird sanctuary. Priya, please hang up the phone and do your homework. क्यों आर्या, ब्रेकअप हो गया क्या? क्या बता, मैं नहीं जानता। मामा जी, मुझे बर्ड सेंचुरी में लेके चलो ना, प्लीज। ए, एक हफ्ते में मेरा इंटरव्यू है और तुझे बर्ड सेंचुरी ले जाऊं? जाकर अपने नाना से पूछ ले, जा। नहीं, वो बहुत बोरिंग है, प्लीज मामा जी ले चलो ना। ना बंद कर यार। हे, दिस इज मायरा। ओह, हाय हाय हाय। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि बर्ड सेंचुरी ले जाऊंगी, पर मेरा मूड ठीक नहीं है, तो इफ यू डोंट माइंड एंड इफ यू आर फ्री, क्या तुम लेकर जाओगे? ऑफ कोर्स, आई एम फ्री ओनली। इन फैक्ट मुझे भी बोर हो रहा था, मैं लेकर जाऊंगा उन्हें। थैंक यू, आई विल सी यू। या तुमने कहा तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तुम भी साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा। आई प्रॉमिस, यू वोंट रिग्रेट इट। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, प्लीज जॉइन अस। ओके ओके। ब्रेकअप सुनते ही रेडी हो गया। ज्यादा ही बोलने लगा है तू। हां इनके पापा रिसर्च के काम से अफ्रीका गए कहकर बच्चों से झूठ बोल चुके हैं, और उस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं। ये खुशी उनके चेहरे से कब गायब हो जाएगी सोचकर ही डर लगता है। भैया को गायब हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले, ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है। पुलिस है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। सर, वरुण मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था। मिस हुआ उसी दिन गुना नाम का गुंडा वरुण से मिला था। ये किडनैप केस है सर, आपको क्यों नहीं लग रहा है? मतलब क्या कहना है तुम्हें? मैंने, कलेक्टर ने, गुंडों ने मिलकर तुम्हारे भैया को किडनैप किया है क्या? मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ। बच्चे इंडियन सिटीजन होने की वजह से उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इट्स लाइक आई एम स्टक इन लिम्बो विदाउट अ कंक्लूजन टू द केस। ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट टू अडॉप्ट देम। But that bastard, my fiance, वो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मायरा, लड़कियों की ममता ना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में तुम ही उन बच्चों की माँ हो, ये समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। हेलो मायरा हैंसन? यस। एक बार आप ऑफिस आ सकती हैं? ओके। टेलरों में मछलियां पकड़ते वक्त मिले हैं इन्हें। आसपास कहीं पर भी बॉडी नहीं मिली है, उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स भी नहीं है। तुम्हारे भैया उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वजह से अल्कोहलिक हो चुके थे, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। सुइसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है ऐसा पता चला है। सर, एक बार उन बच्चों को देखिए सर, कोई भी पिता उन्हें छोड़कर सुइसाइड करने की सोच सकता है? आप कोई साइकेट्रिस्ट हो? सुइसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है ये जानते हो क्या तुम? इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा आपको इसे सुइसाइड केस बनाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। ब्लड स्टेन्स नहीं है तो सुइसाइड हो गया कहकर लिख दोगे, बॉडी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो नदी जाकर समंदर से मिलती है, कहां जाकर तलाश ले बता सकते हो? बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो। देखिए, अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भैया की दस्तखत चाहिए होगी या फिर उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए।
शायद हमें बॉडी मिल जाएगी, इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम वेस्ट अगर करेंगे, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी, ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए। ये सेटलमेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाइए सर। ए, इसे लॉकअप में लेके जाओ। निकल जाइए। और क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म आया है, बंद कर। अभी स्टॉप इट। सर बताइए कहाँ साइन करना है। मायरा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये मर्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, इसलिए कहा, केस क्लोज कर दो उनके लिए। प्लीज लीव दिस। डैडी को किसने मारा होगा? डैडी को किसी ने नहीं मारा बेटा, वो मम्मी के पास चले गए, लेकिन मायरा आंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेगी। पानी की विमुक्ति, 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 तेलुगु माफिया का, तेलुगु माफिया का। ए स्टॉप 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 स्टॉप। सर आज बंद है, गाड़ी स्कूल में पार्क कर दीजिए, आपको जहाँ जाना है हमारे ऑटो वाले ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है, आने तक 3 दिन यहाँ रहेगी क्या बाइक? सर पर्यावरण संघ के अंतर्गत ये बंद हो रहा है सर, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ए, सर को जानते हो ना, ये गाड़ी लेकर जा, अपने गली के किनारे सर का घर है ना, वहाँ रख कर आ। आइए सर, आइए सर। ए हट जाओ, हट जाओ। सर उतर जाइए, आपकी गाड़ी बैठिए सर, बैठिए सर, बैठिए। इसका मतलब ये लोग हमें बंद के नाम पे लूट रहे हैं। सर आज सबके लिए फ्री राइड है सर। पुलिस पर पत्थर भी नहीं फेंके, बस में आग भी नहीं लगाया, स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया, ये किस तरह का बंद है बॉस? ऐसा कुछ भी किए बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर। अभी तो बस शुरुआत है, दोपहर तक देखना हर जगह आग लगेगी। सर वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुंडे ही कर सकते हैं सर, हम नहीं। आत्महत्या करने वाले किसान है सर, हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं है। अगर किसान हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो? किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम कर नहीं सकते। एक बार वो मैप देखिए सर तो हमारी कहानी समझ आएगी। पिछले 3 सालों में तेलेरु के आसपास के गांव के 900 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी सर, ये आपके न्यूज चैनल्स में कभी कभार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर, पर वो आत्महत्याएं नहीं थी सर, हत्या थी। ये 40 साल पहले एक वर्ग के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है। एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलेरु में थी, मछुआरों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी, पर उस नदी पर कब्जा कर कृत्रिम मछलियों का पालन बढ़ाकर एक व्यक्ति ने सारे मछुआरों को अपना वोटर्स बना लिया। उसके बाद सोसाइटीज लोन्स लीज कहकर सारी नदी को अपने कब्जे में लेकर उन्हीं वोटर्स को अपनी व्यवस्था में गुलाम बना चुकी है, हजारों करोड़ों का साम्राज्य बना चुकी है। उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी, उस व्यापार का नाम ही मत्स्यगंधा फिशरीज है। राजनीति से व्यापार को, व्यापार से राजनीति को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कब्जे में ले चुकी है। इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मछलियों को डालने वाले कृत्रिम आहार के कारण पानी खराब हो गया, नदी के बांध की वजह से पानी का स्तर कम हो गया, समुद्र के पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। कभी वो नदी ऑक्सीजन देती थी, आज जहरीली बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं सर। सरकार खुद गुंडों जैसा बर्ताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाए? सर मैंने बोला था ना फ्री राइड है, हमारी कहानी पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर। सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिए, आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा। उस पर 6 महीनों से शूट एट साइट का ऑर्डर है सर, अगर पुलिस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगे सर? उसे मार भी दिया तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। वैसे गधे सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हुआ, गन शॉट की तरह इंटरव्यू देकर इस ऑटो वाले के साथ एक चिल्ड बियर मारिएगा, मरते दम तक याद रखोगे सर। All the best, sir. Thank you. All the best. ट्रेन में बार बार तुमको एंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है।
इंसान को उसकी मेमोरीज डिफाइन करती हैं। उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। व्हाटएवर यार, ये वहां देख। इतिहास में टेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम 10 शताब्दी पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। Can you name it tourist attraction of your place? टेलरू। सारे IAS ऑफिसर करप्ट हैं, सिया हुआ है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट हैं सर। With all due respect, क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लैब एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर। आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्पररी सॉल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़के पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में पहले कौन सा दो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? मिस्टर अभिराम, आर यू चैलेंजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ दिस बोर्ड? नो सर, आई एम चैलेंजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम सर। तो फिर इस एटीट्यूड के साथ उस सिस्टम में कैसे फिट होगे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहाँ है सर? राजकीय नायक, सरकारी नौकर, कोर्ट के तीन घोड़े संविधान को समानता से खींचते हुए एक दूसरे की गलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी ये गाड़ी सड़क पर रहेगी सर। पर सत्ता की नशे में धुत ये राजकीय घोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के दो घोड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्यूएबल प्रिंट्स को सिस्टम में धकेला जा रहा है, पर उन्हें सच्चाई के साथ काम करने का मौका कहाँ मिलता है सर? अगर ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान दे रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम न करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और IAS ऑफिसर आएगा तो क्या, चाहेगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस इंटरव्यू सर, इफ नॉट अ स्यूडो इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर, मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है।